हाय फ्रेंड्स, मैं अंसुलिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं कलेक्शंस के बारे में, वो भी हाफ गर्लफ्रेंड के। जी हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड का कलेक्शंस बहुत ही कम होता नज़र आ रहा है। पहले दिन फिल्म का कलेक्शंस पहले वीक में मतलब ठीक ठाक था, यानी कि अच्छा था मैं कहूँगा, लेकिन सेकेंड वीक का कलेक्शंस बहुत ही बुरा आ रहा है। सेकेंड फ्राइडे के कलेक्शंस की बात करें तो काफ़ी गिर गया था कलेक्शंस, और इस दिन कमाए थे 1.76 करोड़, यानी कि 2.25 करोड़ के आसपास। और सेकेंड सैटरडे का जो कलेक्शन आया है अब, यानी कि डे 9 का, वो आया है 2.01 करोड़। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 52.96 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देखते हैं कलेक्शंस कहां तक जाता है। एक वक्त पे जहां पे उम्मीद थी कि 75 से 80 करोड़ फिल्म कमा लेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म वहां तक पहुंच नहीं सकती, और 60 से 65 करोड़ से ज़्यादा ये लाइफ टाइम कलेक्शन के हिसाब से कमा नहीं सकती। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप नोटिस करोगे तो रिलीज़ हुई थी दो फिल्म साथ में, हिंदी मीडियम और ये हाफ गर्लफ्रेंड। तो हिंदी मीडियम का स्क्रीन काउंट था 1126 स्क्रीन्स और इसका था 2500 स्क्रीन्स। उसके बावजूद हिंदी मीडियम का कलेक्शन अच्छा आ रहा है, और सेकेंड फ्राइडे में उस फिल्म ने जो कमाई की थी 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास, और सैटरडे को जो कमाई की है सेकेंड सैटरडे को, वो की है 4 करोड़ के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इरफान खान की फिल्म ने इस फिल्म को पछाड़ दिया है। कुछ और अपडेट या इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।